जादू आमतौर पे क्यों करवाया जाता है? एक जादू होता है सहर तफरीक, जुदाई डालने के लिए। सबसे पहले तो मियां बीवी में, दोस्तों में, माँ बेटे में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, खानदानों में, दो कारोबारी पार्टनर्स में। बाज़ोका देखा ना कि पार्टनरशिप से कारोबार बहुत आगे जा रहा है, तो उनके दरमियान लड़ाइयां डलवाने के लिए। इसी तरह सहर मोहब्बत, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालने के लिए, मतलब किसी औरत के लिए, मर्द के लिए, किसी भी शख्स के। फिर सहर तखय्युल, जो वहम डाल दिया जाता है। कई लोग आपने देखा होगा हाथ धोए ही चले जाते हैं, धोए ही चले जाते हैं, उनको लगता ही नहीं कभी वो पाक हुए, वो वजू ही करे चले जाते हैं। नहाते हैं तो घंटों नहाते रहते हैं, वॉशरूम से नहीं बाहर निकलते। तो बाथरूम जो है या टॉयलेट जो है इंतहाई गंदी जगह, उसमें इंसान को बस जरूरत का ही टाइम लगाना चाहिए और फौरन बाहर आना चाहिए। अमूमन शयातीन ऐसी ही जगहों पर होते हैं, तो उसमें इंसान को नहीं होना चाहिए, यानी कि वहां से बचना चाहिए, गंदी जगहों से, जिस्मानी गंदगी से भी बचना चाहिए, क्योंकि शयातीन को गंदगी पसंद है। तो वो फिर अमूमन एक वहम सा इंसान को हो जाता है, इंसान शक्की हो जाता है, हर एक पे शक, हर एक के अंदर से फॉल्ट ढूंढना। फिर सहरे जुनून होता है, इंसान पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, दिमाग मफलूज होकर रह जाता है, कोई अकल की बात नहीं करता इंसान। इसी तरह सहरे खमूल, सुस्ती में मुब्तला करने वाला, हर वक्त एक लथार्जी, काहली, नमाज को दिल नहीं करता, कुरान पढ़ना एक मुसीबत लगता है, और कोई भी नेकी का काम बहुत ही मुश्किल। बाज़ोकत लोग कहते हैं ना कि हमसे तो लफ्ज नहीं मुंह से निकलता, पढ़ा ही नहीं जाता, क्या करें। कभी कहा ना उनको भी, अगर ऐसी कैफियत है तो अल्लाह की पनाह में आओ। कहते क्या करें, मुंह से नहीं निकलता, दिल ही नहीं चाहता। फिर सहरे हवातिफ, चीखो पुकार में मुब्तला करने वाला, कि जिस पे वो होता है वो चीखता है, चिल्लाता है, छोटी छोटी बात पे हद से ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तोड़ फोड़ और एक मजनून किसी कैफियत हो जाती है। बाज़ औक़ात सहरे अमराज, जैसे मिर्गी की कैफियत या मुख्तलिफ और बीमारियों की शक्ल में। फिर सहरे इस्तेहाज़ा, इस्तेहाज़ा की बीमारी, जैसे हदीस में भी आता ना कि ये तो शैतान की एक फोका है, ताकि इंसान कभी ये सोचे मैं पाक ही नहीं हूँ तो मेरी क्या नमाज, नमाज में खुशू खुजू ही नहीं, तो नमाज में खुशू खुजू तो इंसान की कामयाबी की अलामत है, और अगर उसमें खलल आता है तो ये शैतान का वार होता है। तो दुश्मनी या हसद होता है बाज़ औक़ात, कि किसी के साथ बनती नहीं, और बाज़ औक़ात रिश्तों में खलल डालने के लिए। अब यह होता है कि जब ऐसे कोई असरात इंसान पर होते हैं तो उसकी जो एक नॉर्मल आदत होती है, बहुत हम्बल है, बाखलाक है और मोहब्बत करने वाला है, बस शौहर है या बाप है, तो वो उल्टी उल्टी हरकतें करने लगता है, बच्चों पे गुस्सा करने लगता है, इरिटेटेड, चिड़चिड़ापन और इबादत से दिलचस्पी नहीं, बाज़ों का जिस्म के किसी खास हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है बिला वजह, सारे टेस्ट कराए जाते हैं, मेडिकली कोई रीजन नजर नहीं आती, समझ नहीं आती। बाज़ों का डरावने ख्वाब आने लगते हैं और इंसान को ऐसी भयानक चीजें नजर आती हैं कि वो सो नहीं पाता। बाज़ों का खून के छींटे नजर आते हैं, कभी तयशुदा कपड़ों को काटा जाता है, उसमें कट के निशान होते हैं, जैसे मसलन कमीज तय करके रखी तो जो हार्ट की जगह है इसके ऊपर, जैसे किसी ने, यूं लगता है जैसे किसी ने छुरी मार के या कोई कैंची की नोक मार के उस जगह को काटा है। बाज़ों का खावंद या बीवी एक दूसरे को बहुत बदनुमा नजर आते हैं, यानी कि नफरत आती है, उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, हालांकि वही शख्स दूसरों को अच्छा लग रहा होता है, मगर बीवी या शौहर को वो आपस में एक दूसरे को, उनको बिल्कुल उनका दिल उठ जाता है। हत्ता के जो उनका जिस्मानी ताल्लुक होता है उसमें सख्त मुश्किल पेश आती है। बाज़ों का औलाद की बंदिश के लिए किया जाता है, बाज़ों का जिस्मानी ताल्लुक की बंदिश के लिए। तो ये सारी चीजें अलामत होती हैं जो नजर आने लगती हैं, लेकिन बाज़ों का बीमारियां भी होती हैं, ऐसे असरात नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर पहले इंसान नॉर्मल हो और यकायक ये तब्दीलियां आ जाए तो फिर इंसान ऐसी चीजों का इलाज करे। लेकिन अगर एक शख्स शुरू से बचपन से बदमिजाज है, बद अखलाक है, अक्कड़ है, वो उसके मिजाज का हिस्सा है, लेकिन एक शख्स आदतन नहीं, मिजाज में नहीं, ठीक है, अचानक ही कुछ हो गया, उसको नजरें फेर ली उसने और वो कुछ से कुछ हो गई उसकी आदतें, तो फिर अलर्ट होने की जरूरत है कि मसला क्या है। तो बाज़ औक़ात बच्चों के अंदर तन्हाई की आदत हो जाती है, न माँ बाप से मिलते हैं, न बात करते हैं, गुम सुम, न रिश्तेदारों से मिलते हैं, न बाहर जाते हैं, सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ के बैठ जाते हैं। अब जब ऐसी कोई कैफियत हो तो इंसान को किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं,
دوا کرے، علاج کرے. حدیث میں آتا ہے نا لکل داء دوا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. یہ بالکل سچی بات ہے، جب کسی مریض کو صحیح دوا پہنچتی ہے تو وہ باذن اللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کب تک اس نے بیمار رہنا. ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو آپ دیکھیں، کئی سال تک وہ بیمار رہے تو ٹھیک ہو گئے، اور پہلے سے بھی زیادہ ان کو نعمتیں ملی. تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا حکم ہوگا تو ایک کن کہنے کی دیر ہے، انسان شفا یاب ہو جائے گا اور دوائیں بھی اثر کریں گی.